मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग के छापे के बाद उनकी अकूत संपत्ति के बारे में जो पता चला है उसे जानकर बड़े बड़े रईस भी रस करने लगेंगे। दरअसल आयकर विभाग की काफी समय से आनंद कुमार की बेनामी संपत्ति पर नजर थी और छापेमारी के बाद इन संपत्तियों की वास्तविक कीमत का पता चला है। छानबीन में पता चला है कि आनंद का नोएडा में कुल 7 एकड़ का एक बड़ा सा प्लॉट है जिसकी कीमत तकरीबन 400 करोड़ रुपए यानी कि 4 अरब रुपए है। बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता की संपत्ति की आयकर विभाग काफी समय से जांच कर रहा था जो छापे के बाद भी जारी है। जांच में सामने आया है कि आनंद कुमार के पास नोएडा में एक बड़ा बेनामी प्लॉट है जो करीब 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार के पास इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से? जब न्यूज ने आनंद कुमार का इतिहास खंगाला तो देखिए क्या सामने आया। मायावती के भाई आनंद कुमार कभी नोएडा प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे और बाद में उन्होंने एक अपनी कंपनी खोल ली। 2007 में बसपा के सत्ता में आने के बाद तो मानो आनंद कुमार के लिए कुबेर के खजाने के दरवाजे खुल गए हैं। मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद ने लगातार 39 कंपनियां खोल ली। कहा तो ये भी जाता है कि इस काम में बसपा नेता सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने भी आनंद का साथ दिया। ऐसा नहीं कि आनंद बसपा उपाध्यक्ष बनने और आयकर की छापेमारी से सुर्खियों में आया हो। दरअसल नोटबंदी के समय उनके खाते में अचानक से 1.5 करोड़ रुपए आ गए थे। इतनी बड़ी रकम खाते में आने के बाद से इनकी कई जगह पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद अब वो कई जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल आयकर विभाग और ईडी कुमार की सारी संपत्ति की जांच कर रहा है। न्यूज़ डेस्क।